स्वर्गीय श्री बद्री सिंह पालका इंटर कॉलेज कबरई की तरफ से आप सभी बच्चों को ऑनलाइन क्लासे उपलब्ध कराई जा रही हैं और सारा सिलेबस एनसीईआरटी पैटर्न बेस पर है। जो आपके विद्यालय में किताब चलती है, जो हम आपको सिलेबस देते हैं, वो सारा एनसीईआरटी पैटर्न बेस पर है। आज हम बताएंगे आपको क्लास टेंथ यानी सब्जेक्ट साइंस में बायो वालू केमिस्ट्री के 5 लेसन हमने पूरे कर दिए हैं और अब हम आपको बायो के बारे में बताएंगे। बायो का पहला लेसन है, पहला लेसन यानी जो जैव प्रक्रम अध्याय 6 से स्टार्ट होता है, उसका एक पार्ट हमने पहले बना के डाल दिया। ये दूसरा पार्ट है जिसमें अभ्यास के क्वेश्चन आंसर रह गए हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे अलग से छाट करके। और अगर किसी भी बच्चे को नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए संपर्क कर सकता है, ये नंबर दिया हुआ है 8076317021 या फिर 9919424242। इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर कि वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए ताकि सभी बच्चे इस कोरोना महामारी को देखते हुए वीडियो का लाभ उठा सके, क्योंकि सब कॉलेज और कोचिंग बंद है, इस वजह से घर पर ही रह करके अपनी तैयारी करें। ऑनलाइन क्लासें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी, कक्षा 9 से लेकर के 12th तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है यहाँ पे। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। अभ्यास के प्रश्न उत्तर देख रहे हैं हमको, कोई भी वीडियो देखिए, उस वीडियो को अंत तक जरूर आप देखिए। एकाध प्रश्न देखने से कुछ नहीं समझ में आता, जब आप लास्ट तक देखते हैं तो सारी चीजें समझ में आ जाती है। चलिए देखते हैं, लेसन का नाम है जैव प्रक्रम। यहाँ पे हम आपको अभ्यास के क्वेश्चन आंसर बताएंगे। अभ्यास में पहला प्रश्न है, इसमें पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है, पहला देखेंगे। मनुष्य में ब्रक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे। मनुष्य में ब्रक का जो तंत्र भाग होता है वह किससे संबंधित है। पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, यानी इनमें से उत्सर्जन से संबंधित है, किससे है, उत्सर्जन से। दूसरा प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, यानी पौधों में जाइलम किस लिए उत्तरदायी होता है, जल के वाहन के लिए, और जो फ्लोएम होता है वो होता है भोजन के वाहन के लिए। लेकिन यहाँ पे जल, जाइलम का मतलब जल का वाहन और फ्लोएम का मतलब भोजन का वाहन। अगला प्रश्न है, इसमें स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी, यानी इनमें से कौन सी चीजें उपलब्ध है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, यह क्रिया किसमें होती है, माइटोकांड्रिया में होती है, किसमें होती है, माइटोकांड्रिया में। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारे भोजन में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। हमारे भोजन में वसा का प्रक्रम यानी वसा का पाचन मुख्य रूप से क्षुद्रांत में होता है, यानी क्षुद्रांत का मतलब होता है छोटी आंत, मुख्य रूप से क्षुद्रांत में होता है। इसका इस कार्य के लिए क्षुद्रांत यकृत तथा अग्नाशय, यकृत तथा अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करती है। यह पित्त लवण द्वारा भोजन में उपस्थित, पित्त लवण द्वारा भोजन में उपस्थित वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में खंडित कर दिया जाता है, यानी जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वसा होती है उसमें, उसको बड़ी गोलिकाएं होती है उनको छोटी गोलिकाओं में खंडित करती है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है और अग्नाशय में आने वाली अग्नाशयिक रस इन छोटी गोलिकाओं वाली वसा को लाइपेज एंजाइम के माध्यम से पचा देता है। किसके माध्यम से, लाइपेज एंजाइम के माध्यम से। एंजाइम अंत में वसा को वसा पाचन अम्ल तथा ग्लिसराल में परिवर्तित कर देता है, किसमें परिवर्तित करता है, ग्लिसराल में। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, अगला प्रश्न है इसमें छठवां, भोजन के पाचन में जो लार हमारे मुंह में पाई जाती है उसकी क्या भूमिका रहती है। भोजन के पाचन में लार की अहम भूमिका होती है, क्यों, आहार का स्तर बहुत कोमल होता है, लार संपूर्ण भोजन में फैल कर उसे चबाने एवं गीला करने में मदद करता है। अगर हम सूखा सूखा भोजन खाएंगे तो गले से नीचे नहीं जाएगा, इसलिए लार क्या करता है, उसको गीला यानी लार संपूर्ण भोजन में फैल कर उसे चबाने एवं गीला करने में मदद करता है। लार के माध्यम से वही
लसलसा सा पदार्थ गीला बन जाता है, जिसके कारण से आसानी से उसका निगला जा सकता है ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए। और लार में उपस्थित एंजाइम, जिसे एमाइलेज कहते हैं, लार में एंजाइम उपस्थित होता है, वह एमाइलेज भी बोलते हैं इसको, स्टार्च के जटिल अणुओं को शर्करा में विखंडित कर देता है। यह क्या करता है, स्टार्च को जटिल अणुओं को शर्करा में विखंडित कर देता है। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके। कोई भी वीडियो हो, उस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न, इसमें सातवां नंबर, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं और उनके उपोत्पाद क्या हैं। स्वपोषी पोषण के लिए परिस्थितियां पूछ रहा है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, जल तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति है। क्या है, क्लोरोफिल की उपस्थिति। कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन स्वपोषी पोषण के मुख्य उपोत्पाद क्या है। 6CO2, जब कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और 6 जल के अणु क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गर्म किए जाते हैं, क्रिया करते हैं, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। 6CO2 प्लस 6H2O इक्वल टू क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस 6O2, यानी C6H12O6 होता है, ये ग्लूकोज होता है, और 6O2 यानी ऑक्सीजन का निर्माण होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में मिल करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है आठवां नंबर, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। वायवीय और अवायवीय को आक्सी और अनाक्सी श्वसन भी बोलते हैं। आक्सी और अनाक्सी श्वसन में क्या अंतर है, कुछ जीवों के नाम लिखिए। अवायवीय श्वसन होता है, वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है यानी आक्सी श्वसन, और जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति नहीं होती है यानी अनाक्सी श्वसन, और यह अवायवीय श्वसन कहते हैं। ऑक्सी श्वसन में गैसों का आदान प्रदान वातावरण से होता है और अवायवीय श्वसन में गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है। इनमें श्वसन के उपरांत CO2 तथा H2O उत्सर्जित होते हैं। क्या होते हैं, CO2 तथा H2O उत्सर्जित होते हैं, और इसमें श्वसन के उपरांत CO2 तथा एथिल एल्कोहल C2H5OH है, एथिल एल्कोहल उत्सर्जित होते हैं। अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, वायवीय श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और अवायवीय श्वसन में अपेक्षाकृत कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। अवायवीय श्वसन कुछ जलयुक्त पौधों के जड़ों में, कुछ परजीवी कीड़े में, जानवर की मांसपेशियों में, कुछ सूक्ष्म जीवों जैसे खमीर में होता है। ये अवायवीय श्वसन पाए जाते हैं इन सभी जीवों में, जो आपको उदाहरण बताए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है, नवा नंबर, इसमें पूछा गया है गैसों की अधिकतम विनिमय के लिए कोपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित हैं। गैसों की अधिकतम विनिमय के लिए जो कोपिकाएं हैं वे किस प्रकार से अभिकल्पित हैं। फेफड़ों के अंदर गुब्बारे जैसी एक संरचना होती है, कहां फेफड़ों के अंदर एक गुब्बारे जैसे यानी फूली हुई संरचना होती है जिसे हम कोपिका कहते हैं। इसका भीतरी भाग जो होता है वो छोटी छोटी नलिका में विभाजित हो जाती है। भीतरी भाग क्या होता है, छोटी छोटी नलिका यानी छोटे छोटे पार्ट में विभाजित हो जाता है, और ये नलिका एक विस्तृत सतह का निर्माण करती है, एक बड़ी सी संरचना बनाती है जिससे गैसों के अधिकतम विनिमय को जिससे गैसों का अधिकतम विनिमय हो सके। और कोपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जल होता है। क्या होता है, इसमें रुधिर वाहिकाओं का जल होता है बहुत सारा। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है। क्या करते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं तो जो हमारी वक्ष गुहिका पाई जाती है फेफड़ों में तो बड़ी हो जाती है, और वायु यानी
ऑक्सीजन विस्तृत कोपिकाओं में भर जाती है, जिससे कोपिकाएं फेफड़ों में बहुत कम जगह में स्थित होती हैं। लेकिन जब इनमें हवा भर जाती है तो ये फूल कर बड़े क्षेत्रफल में फैल जाती हैं। जब हम अंदर की ओर सांस लेते हैं तो क्या होती है, फूल जाती है। तो ये फूल करके बड़े क्षेत्रफल में फैल जाती है और गैसों के विनिमय के लिए यानी गैसों के आदान प्रदान के लिए अधिकतम क्षेत्रफल प्रदान कर लेती है। अगला प्रश्न है इसमें 10वां नंबर। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन है जो पाया जाता है, हीमोग्लोबिन लव युक्त भी होता है और हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड का कलर रेड होता है वो हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ के कारण होता है। अगर एक नंबर में प्रश्न पूछ ले कि ब्लड का कलर लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो इसे पूछ रहा है हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य हमारे शरीर की समस्त कोशिकाओं तथा ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। क्या होता है, शरीर में हमारी समस्त कोशिकाओं तक और ऑक्सीजन को पहुंचाता है, जिसे हीमोग्लोबिन की कमी के कारण शरीर के समस्त भागों तक ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँचाया जा सकता। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो शरीर के यानी सभी भागों में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं पहुँच पाएगी, जिसके कारण शरीर के विभिन्न अंगों को कार्य करने के लिए यानी शरीर के जो अंग है हमारे वो कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा नहीं मिल पाएगी और हमें कमजोरी तथा थकान का अनुभव होने लगेगा, जिससे हमें एनर्जी प्राप्त नहीं हो पाएगी और हमें कमजोरी और थकान का अनुभव होने लगेगा। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें 11वें नंबर में। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है? मनुष्य में जो डबल परिसंचरण पाया जाता है इसकी व्याख्या करना है और क्यों आवश्यक। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण जो पाया जाता है उसका एक चित्र बना हुआ है। मनुष्य तथा अन्य कोशिकाओं मनुष्य तथा अन्य कोशिकीय जीवों में रक्त हृदय में दो बार प्रवाहित होता है। मनुष्य हो तथा अन्य कोशिकीय जीवों में भी रक्त हृदय में से दो बार प्रवाहित होता है। कितने बार? दो बार। इसलिए इस प्रक्रिया को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। दो बार प्रवाहित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डबल का मतलब हो गया दो बार, इसलिए इसे क्या कहेंगे? दोहरा परिसंचरण। सीधी सी परिभाषा है, हृदय में चार कोशिकीय अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? चार। इसके ऊपर दो कोष्ठक अंगों को अलिंद तथा दो कोष्ठक अंगों को निलय कहते हैं, यानी चार कोष्ठक पाए जाते हैं, दो अलिंद और दो निलय। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर स्थित कोष्ठ यानी बायां अलिंद में आता है। जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है रुधिर के द्वारा फुफ्फुस हृदय से बाईं की ओर स्थित जो बायां अलिंद होता है उसमें आती है। इस रुधिर को एकत्रित करते समय बायां अलिंद जो होता है वो शिथिल रहता है। जब अगला कोष्ठ यानी बायां निलय फैलता है तब यह क्या होता है? संकुचित हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जिससे रुधिर इसमें स्थानांतरित होता है। जब पेशी बायां निलय से संकुचित होता है तब रुधिर शरीर में पंपित होता है, यानी ब्लड का सर्कुलेशन पंप हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से जब दायां अलिंद फैलता है तो शरीर में बियाक्सीजनित यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, शरीर से बियाक्सीजनित रुधिर इसमें आ जाता है। जैसे ही दायां अलिंद संकुचित होता है तो दायां निलय फैल जाता है। संकुचित होने के बाद दायां निलय क्या होता है? फैल जाता है। यह रुधिर को दायां निलय में स्थानांतरित कर देता है। इस प्रकार से संपूर्ण शरीर में हृदय से रक्त का संचरण होता है। इसका चित्र भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें ये सारे चित्र के माध्यम से आप बता सकती हैं कि किस प्रकार से है ये बना हुआ है इसमें चित्र। जी महाधमनी ऊपर जो अभी बताया शरीर के चार भाग होते हैं, ये महाशिर है, फुफ्फुस धमनियां और बायां अलिंद दायां अलिंद जो अभी हमने आपको बताया, और ये बायां निलय दायां निलय ये चार कोष्ठ होते हैं, बायां अलिंद दायां अलिंद और दायां निलय और बायां निलय। ये इनका कार्य होता है ब्लड का सर्कुलेशन यानी पंप करना। एक तरफ से शुद्ध होता है, एक तरफ से ब्लड का
यानी दोहरा परिसंचरण का चित्र है। किसका है? दोहरा परिसंचरण का। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें कौन सा है? अगला प्रश्न इसमें 12 नंबर, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वाहन में क्या अंतर है? जाइलम और फ्लोएम जो पदार्थ होते हैं उनके वाहन में क्या अंतर है? पहला नंबर है जाइलम में, जाइलम पौधों में जल तथा खनिज लवण का वाहन करता है। क्या करता है? पौधों में, जाइलम पौधों में जल तथा खनिज लवण का वाहन करता है, और फ्लोएम पौधों में तैयार भोजन, पौधों के द्वारा जो तैयार भोजन होता है उसको विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। दूसरा है जल का वाहन जड़ से ऊपर की ओर होता है। क्या होता है? जल का वाहन जाइलम में जड़ से ऊपर की ओर होता है, और फ्लोएम में पत्तियों में तैयार भोजन का वाहन सभी दिशाओं में होता है। क्या होता है? सभी दिशाओं में। जाइलम द्वारा जल का वाहन साधारण भौतिक बलों जैसे वाष्पोत्सर्जन आदि द्वारा होता है। फ्लोएम द्वारा भोजन के वाहन में ऊर्जा यानी एटीपी के रूप में संचित होती है, यानी एटीपी के रूप में आवश्यकता उसकी होती है। अगला और इसमें लास्ट प्रश्न है 13 नंबर,